दिल्ली नगर निगम विच आम आदमी पार्टी ने 15 साल बाद बीजेपी का तख्ता पलट दिता है। एमसीडी दी 250 सीटां विच आम आदमी पार्टी दे 135 कौंसलर जीत गए ने, जबकि बीजेपी दे हाथ 104 सीटां लगियां ने, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटां जीतियां ने। मेयर बनन दे लई 126 सीटां दी जरूरत सी, आम आदमी पार्टी ने 8 सीटां हासिल कीतियां ने, पर आप सुप्रीमो केजरीवाल नूं जिन्नी वड्डी जीत दी उम्मीद सी ओह हासिल नहीं हुई है, जो मेयर दी चोण लई खतरे दी घंटी साबित हो सकदी है। केजरीवाल ने दावा कीता सी कि दिल्ली नगर निगम विच ओह 250 विचों 220 सीटां हासिल करनगे। सिर्फ इन्ना ही नहीं, सारे एग्जिट पोल ने भी आम आदमी पार्टी दी 160 तो 170 सीटां दे जीत विखाई सी, जबकि बीजेपी नूं 60 तो 70 सीटां मिलन दा दावा कीता गया सी, पर बीजेपी ने सारे एग्जिट पोल नूं गलत साबित करदिआं 104 सीटां जीत के आप लई नगर निगम विच वड्डी चुनौती पेश करन लई तैयार है। दिल्ली विच मेयर दी चोण कौंसलरां वल्लों हुंदी है, इसलिए बीजेपी नूं उम्मीद है कि जेकर सीक्रेट वोटिंग होई तां बीजेपी करड़ी टक्कर दे सकदी है। जेकर इस साल बीजेपी अपना मेयर बनाउण विच सफल नहीं हुंदी तां जिस तरह नाल बीजेपी दी 103 सीटां आईयां ने, ओह अगले 4 साल विच मेयर दी कुर्सी दे लई मजबूत दावेदारी पेश कर सकदी है, क्योंकि दिल्ली विच मेयर दी चोण हर साल हुंदी है। जेकर किसे साल भी बीजेपी आम आदमी पार्टी दे कौंसलरां नूं तोड़न विच कामयाब हो जांदी है, तां मेयर दी सीक्रेट वोटिंग दे जरिए बीजेपी अपना मेयर बना सकदी है। एमसीडी दे कानून मुताबक जदों भी नवीं एमसीडी चुन के आउंदी है तां पहला मेयर महिला हुंदी है, इस लई अज नाल आप दे 3 महिला उम्मीदवार रेस विच नजर आ रहे ने। दिल्ली नगर निगम दी चोणां डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दी अगुवाई विच पार्टी ने लड़ियां ने, ते केजरीवाल गुजरात चोणां विच रुझे रहे। सूत्रां मुताबक आम आदमी पार्टी नूं कौमी पार्टी दा दर्जा दिवाउण दे लई केजरीवाल दिल्ली दी जिम्मेवारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया नूं सौंप के कौमी सियासी दी कमान संभाल लैण। ब्यूरो रिपोर्ट, द खालस टीवी।